रायपुर में पीलिया मरीजों की संख्या बढ़कर 550 के पार पहुंच चुकी है। 138 लोगों के ब्लड सैंपल की अब तक नहीं आई है कोई रिपोर्ट। राजधानी में पीलिया फैलने की वजह से गंदा पानी बताया जा रहा है, और जिसमें रायपुर के 64 इलाकों से ये सैंपल लिए गए हैं। पानी के 34 जगहों का पानी दूषित पाया गया। पानी में ई कोलाई और क्लेबसिएला और सेजोमोनास बैक्टीरिया पाया गया है। ये काफी घातक है, यानी कि अगर कोई भी इस पानी को, इस गंदे पानी को पीता है तो वो जरूर बीमार होगा और पीलिया जैसी शिकायत उसे जरूर होगी। लगातार हमारे साथ सुप्रिया भी जुड़ी हुई है। सुप्रिया, कोरोना से तो कहीं ना कहीं जंग जीतता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन पीलिया से बहुत पिछड़ा या हारता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मरीज अभी तक मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, जो पीलिया के मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 550 के पार पहुंच चुका है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने अनुमानित आंकड़ा जताया है कि आंकड़ा जो है वो 1500 या 1800 के पार हो सकता है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौर में ना तो गुपचुप मिल रहे हैं और ना ही मतलब कितने भी जो बाहर के सामान है, जो भी ठेले वगैरह लगते हैं चाट वाट के, वो भी नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ खाने पीने के सामान भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी ही है, क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग शुद्ध भोजन करने को मजबूर हैं और घर का खाने के लिए ही मजबूर हैं। तो ये गंदा पानी ही है वजह। और साथ ही आपको बता दूं कि पीलिया को लेकर जो सियासत है वो भी चरम पर है। बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि पीलिया के से निपटने में निगम जो है वो फेल है। इस तरीके से चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर डोंडी से, जहां डोंडी था